सो हाय गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डी के में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, आपको डिटेल में बताएंगे। एक मीडिया रिलीज में आप देखोगे जो कंपनी के सीईओ है उनके द्वारा बहुत बड़ा बयान दिया गया है, आपको डिटेल में बताएंगे, और जिसका आगे चलकर बहुत बड़ा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आएगा। एज ए लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में सुबह तेजी बनते नजर जरूर आई, बट स्टॉक जो हमें क्लोजिंग लेते नजर आए वो प्रीवियस क्लोजिंग पर 8.20 रुपये पर स्टॉक क्लोज हुआ है। स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम हमें देखने को मिले तकरीबन 6 करोड़ 18 लाख की वॉल्यूम लगी है। तो वॉल्यूम आपने कल के दिन देखा 17 करोड़ प्लस लगी थी, आज आपको 6 करोड़ के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिले 6 करोड़ प्लस। तो ऐसे में स्टॉक सुबह तेजी दिखाया, फिर स्टॉक के अंदर जो है थोड़ा बहुत करेक्शन, लास्ट में स्टॉक ने क्लोजिंग लिया अपने प्रीवियस क्लोजिंग पर। तो यहाँ से क्या ये शेयर एक ब्रेकआउट देगा या फिर ऊपर के लेवल से स्टॉक टूटने वाला है? क्वार्टर फोर से पहले एक बड़ी खबर आते नजर आई, चलिए पहले उसके ऊपर नजर डालेंगे, उसके बाद इसके कल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। जी 28 अप्रैल के स्टॉक आपको कैसे क्या लेवल दिखाएगा, चार्ट्स के ऊपर क्या मूवमेंट्स बन रहे हैं, कैसा इसका डाटा आया है, चलिए फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके RSI लेवल की, तो 54 पर इसका RSI और MFI आप देखोगे 61 पर है, दोनों के दोनों आपको मिड रेंज में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है, स्टॉक ने 1 मंथ में 8.5% के रिटर्न दिए हैं, बट 3 मंथ में नेगेटिव है, 6 मंथ में नेगेटिव और 1 ईयर में नेगेटिव है। तो चलिए भाई अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या खबर आई है, ठीक है, उससे क्या इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आने वाला है। तो पहले ये खबर देखेंगे, तो न्यूज़ आप देखोगे 5 घंटे पहले ये बड़ी अपडेट आई है, क्या खबर है चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 27 अप्रैल को यानी आज के दिन कंपनी ने एक मीडिया रिलीज में बताया है कि कंपनी, जी हाँ, सुजलोन एनर्जी को 39 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। किसके लिए आप देखोगे 3 मेगावाट के जो इसके विंड टर्बाइन हैं उनके लिए, किससे, ए थर्मैक्स ग्रुप कंपनी से, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है, 39 मेगावाट का ऑर्डर। पहले सैमकॉर्प से आप देखोगे तकरीबन 50 मेगावाट के आसपास का बड़ा ऑर्डर मिला, तो कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है, 39 मेगावाट का ऑर्डर मिला है जिसके अंदर जो कंपनी का प्रोडक्ट है 3 मेगावाट का, ठीक है, जो विंड टर्बाइन है वो कंपनी लगाने जा रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर आप लोग जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। द ऑर्डर इज विद फर्स्ट एनर्जी 5 प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक थर्मस ग्रुप की कंपनी है जिसके द्वारा कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पर आप देखोगे 13 विंड टर्बाइन जनरेटर कंपनी लगाएगी विद रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3 मेगावाट, तो 3 मेगावाट की जिसकी आप देखोगे हमें कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखो दिस ऑर्डर फीचर्स एज एस 140 मीटर्स विंड टर्बाइन फ्रॉम 3 मेगावाट सीरीज के, जो ना भी आपको इस सीरीज के नाम से जो कंपनी का ये विंड टर्बाइन देखने को मिलेगा जिसकी हाइट आप देखोगे वो टावर की हाइट जिसे बोलते हैं वो 140 मीटर के आसपास रहेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बहुत बड़ा कंपनी को ये ऑर्डर मिलते नजर आए हैं, ये जो कंपनी है इसे 2024 तक पूरा कर लेगी। थलाई काटुपुरम के अंदर हमें जो ना ये ऑर्डर देखने को मिला जो कि एक तमिलनाडु की जगह है, तो विद ए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 39 मेगावाट के लिए। तो चलिए भी बहुत बड़ी अपडेट आई है, ठीक है, जो थर्मैक्स ग्रुप की कंपनी है फर्स्ट एनर्जी 5 के द्वारा जो ना कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। इन सब के ऊपर आप देखोगे कंपनी ने, जो कंपनी के सीईओ हैं इनके द्वारा क्या बोला गया है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जेपी चालसनी सीईओ जो कंपनी के सुजलोन एनर्जी के, तो यहाँ पर आपको क्या कहते नजर आए, वी आर डेलीगेटेड टू अनाउंस आवर ऑर्डर विद फर्स्ट एनर्जी 5 प्राइवेट लिमिटेड। तो इनको जो ना अभी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है इस ऑर्डर को बताते हुए कि कंपनी को जो ना अभी ऑर्डर मिला है किससे, जो थर्मस ग्रुप की कंपनी है उससे। दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑर्डर विद द ग्रुप, तो ये हमारा जो ना पहला ऑर्डर है इस ग्रुप के साथ, ठीक है, एंड फीचर्स आवर 3 मेगावाट सीरीज प्रोडक्ट। तो जो 3 मेगावाट का जो इनका सीरीज प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत बड़ी आप देखोगे इनको खुशखबरी देने जो खुशखबरी दी इन्होंने, इनसे प्रशंसा हो रही है। तो भाई यहाँ पर आपको जो ना अभी इसी के बारे में बताया गया, और आगे चल के जो ना अभी और अच्छे अच्छे प्रयास कंपनी करेगी, तो यहाँ से जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, यही बातें जो ना अभी इसके अंदर बताई गई है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली, चलिए भाई अब देखते हैं इसके कल के लेवल्स।
तो यहाँ पर आप देखोगे पहले हम इसका डाटा देख लेते हैं स्टॉक। आज आप देखोगे हाई जो लगाया था 8.25 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया, 8.20 रुपये का प्रीवियस क्लोजिंग। तो यहाँ पर एक बिग एएमओ ऑर्डर देखने को मिला तकरीबन 7.5 लाख क्वांटिटी के आसपास का, जो बाइंग के लिए लगा नजर आ रहा है। तो बाय एएमओ ऑर्डर आया है। वहीं अगर बात करें डिलीवरी की, डिलीवरी भी आप देखोगे लगभग 37% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है, डिलीवरी भी ठीक ठाक उठी है, एक बाय एएमओ ऑर्डर आया है। तो इन सब के चलते स्टॉक में कल के दिन बनने वाली है तेजी। तो चलिए देखते हैं कहां तक स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक के अंदर फिर से तेजी के जो संकेत है वो बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 7.90 रुपये का ऐसा लेकर स्टॉक में चलने के लिए बोला था, और ऊपर में स्टॉक का जो हमारा टारगेट है वो आप देखोगे पहला टारगेट 8.95 रुपये और सेकंड हमारा रहेगा 10.05 रुपये का। तो स्टॉक आपको जल्द से जल्द 8.95 रुपये के जो लेवल है वो दिखाने वाला है। तो यहाँ से एक बेस्ट मौका है स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का। अगर आपने एंट्री ले रखी है तो 7.90 रुपये का आपको एसएल भी लेकर चलना है। अगर स्टॉक 7.90 को नीचे में काटे तो स्टॉक को हमें सेल करना है। अगर इसके ऊपर में रहे तो स्टॉक में अपने होल्डिंग बनाए रखो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक के अंदर हाल फिलहाल फॉलो करनी है। क्वार्टर फोर से पहले आपको जो ना पे स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलना है। तो यहाँ से स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आप देखोगे दो कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं, एक तो सेमफोर्ब से, एक दूसरा आप देखोगे थर्मेक्स ग्रुप से जो ना भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में आप देखोगे स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी बनेगी, और इसके जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, सीईओ के द्वारा बोला गया है। तो आगे चल के स्टॉक के अंदर बहुत अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए देख लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।